मेरी धुर तो अजब कहानी, कुक हो जाए मेरी कुक नाचन, मेरी पीड़े किसे न जानी, जुल्म सितम मेनु सेने सेने, मेरी अखदा सुखिया मेरे दिला दिए बैर में बुझ मेरी मुट्ठी में तेरी थी ट्रांसफर दे ऑर्डर, पर मैं सोच लिया मां कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगी, इस्तीफा दे दूंगी। की कहा तुम नौकरी छोड़ देंगी? दोबारा तेरी जुबान चो मैं शब्द ना सुना बेटी, मैं तेनु इन्नी कमजोर तो नहीं बनाया कि तू जिंदगी दी एक चोट भी बर्दाश्त ना कर सके? नाले तेनु पता ना पैणे तेरी नौकरी छड़ दे नाल उन्हां नू कोई फर्क नहीं पैणा, उन्हां लोकां ने तां सगो होर खुश होना उन्हां ने। बहुत हमदर्दी है तेरी मां नूं मेहंदी दे नाल। खबरदार खबरदार जे अगे वधिया तां की करेंगी तू? की करेगी तू? मैं क्या ना मेनू हाथ ना लाई। मासी की हो? सुपन किन्ने दिन हो गए बेटे, किरण का फोन ही नहीं आया, तो मैनू तो पता नहीं क्यों
अजीब जे सुपने होंदे आ। फिर क्यों है जो तो फोन नहीं आया, आपा कर लेंदे उनु। ले आ किरण दा ही फोन लगता हुण। हेलो हेलो सुपन वीरे भैन सुपन हाँ मैं करांदा गल। सुपन मैनू देख मेरी किरण दा फोन है। हेलो किरण मां मेहंदी बोल दी हां। कौन मेहंदी? मेहंदी दा फोन है। मेहंदी की हाल है बेटे? मां थोड़ी थी बहुत मुसीबत है। पापा जी किसे होर स्टेट दे ट्रक ड्राइवर ना व्याह करन लग गया मेरा ते बीबी नु भी उन्होंने। की होया बीबी जी नु? मां प्लीज तुसी जल्दी आ जाओ। जे मां तुसी मेनू सच्ची अपनी धी समझदे हो ना ते प्लीज जल्दी आ जाओ जिन्नी छेती हो सके। मां मां हेलो 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 मसी की कहती भैन? सुपन आपां नूं अज ही मेहंदी दे घरे जाना चाहिदा बेटे। ठीक है तू ऐ कर तू गड्डी कढ छेती। हां मैं कढदा। नहीं नहीं पर रहंदे 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 किसे दे घर च इन्ना दखल ओदे पापा जी किते बुरा ही ना समझन बेटे। मासी अखे भी तो तुसी गए सी ना उत्थों वाद तां नहीं कह लैणगे ओह कुछ नाले तुसी मेहंदी भैन नूं अपनी धी भी तां कहा ना। ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਲੋਕੀ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਦਣ ਬੇਬੇ ਗਈ ਸੀ ਚੱਕ ਸੈਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਈ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਦੋਹਤੀ ਆ ਬੇਬੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਘਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵੇਂਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾ ਲੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਣਕ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੌਲ ਥੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਸਮਝਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
तो मेरी भी गल सुन लो तुम, इन्हें नहीं जाना किसी कोर्ट कचहरी। पर देख बेटे, इंसाफ लैन लई आपां नूं कोई ना कोई कोशिश तो करनी पैनी है ना। रहिंदी खुंदी मिट्टी ही पट्टोगे हुण पिंड च साडी। मिट्टी किदां पट्टी जाओ जो अपनी भैन है ही बेकसूर ना। हुण तू निर्दोष साबित करेगा साडी भैन नूं? क्यों, आपां सारे करांगे, पर पुलिस उस असल कुत्ते नूं फड़े तां ही मेरी धी नूं इंसाफ मिले। भैन जी, परमात्मा सब ठीक करूगा, ये विश्वास है मेरा। नाले भैन जी, परमात्मा दे घर देर हो सकता है पर अंधेर नहीं। मेहंदी पुत, चाह तार? नहीं, चाह नहीं पीनी भैन जी, असी चलना है। मां चाह पी के जायो। नहीं पुत, फिर आवांगे, जरूरी काम है सानू। भैन जी गेड़ा मार दे रहा करो। हाँ ठीक है भैन जी, आवांगे जरूर। तू सद्या से उन्होंने इतने ना? मैं कानू सदना सी मेहंदी इधर मैं कहा सर, तू सद्या से उन्होंने इतने बोली नहीं ना? किसी ने भी सद्या होवे, आई तो बेचारी अपने भले लई है। वो गलत थोड़ा कहती है, ठीक ही कहती है कि सजा तो उन्हें कुत्तियां नूं मिलनी चाहिए ते असी अपनी धी नूं देई जाने हैं। ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਖਾਊਗਾ ਮਾਸੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਖਾ ਖਾਊਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਡੱਸ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡੱਸੂਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਸੀ। ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ,
केस तो कोई खास नहीं है, ना तो कोई कतल होया ना कोई वट टुक हुई है, एक साधारण जी कुड़ी की गल है। पर मैं सोसाइटी च अपनी पोजिशन खराब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि कमेटी दियां इलेक्शनां नेड़े आ ते मेरे यार दोस्त मैं खड़ा होने लई कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर लीडर बनने का विचार है? और लीडर तो है ही है, ता ही तो अपोजिशन वाले मेरे बेटे नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी। वैसे तुम सच्चाई दसा कि इहदे च मेरे बेटे का कोई कसूर है ही नहीं, वह कुड़ियां आप तो चल के आईया दोनों उहदे कोल, उस दिन ये शहर में मौजूद ही नहीं सी, तो पिछों जिहड़ी घटना वापरी उसका यह सबू कुछ पता भी नहीं सी। बस इसे गल ते पक्का रहना। बस वकील साहब, बाकी तुसी जो भी कहते हो सब ठीक है, पर तुसी मेरे बेटे नूं कुछ होण नहीं देना, क्यों कि उहदी हर गल दे नाल मेरी रैपूटेशन ते मेरी कुर्सी जुड़ी हुई है। तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, केस तो कुछ है ही नहीं। केस तो कुछ है ही नहीं, एदू वड्डियां वड्डियां कई बार गल्लां वापर जांदियां, पर एक समाज सेवका इस केस नूं हवा दे के बहुत उछालन की कोशिश कर रही है। वैसे तो मैं उहदा दिमाग ठिकाने करता है, वो हुण कुछ भी बोलन की जरूरत तो नहीं करेगी, बाकी मैं आप देख लांगा। बस तुसी इक्को काम करना है कि मेरे बेटे नूं किसी भी कीमत ते अदालत च पेश नहीं होण देना। देखो कोशिश तो साड़ी यही रहेगी कि इस नूं पेश ना किया जाए, पर जे इहदे किसे दोस्त ने मूँह कुछ बकता ना तो फिर शायद। फिर की? फिर भी कुछ नहीं, बाकी मैं आपे सांभ लांगा। फिर थोड़ी वकालत साढ़े किस दिन काम आऊगी? तुहाडे तो एहसान ही बहुत ने मेरे ते, तुसी फिक्र ना करो, तुहाडा बेटा तो खतरे च है ही नहीं। औरत नूं वस्तु समझण वालिया, तू भी किसे औरत दा जाया है, कदे औरत बन के वेख जरा, असा किन्ना दर्द हंडाया है, असा किन्ना दर्द हंडाया है। आओ सारे रल के औरत जाति दे सत्कार लई यतन करिए, यही सच्ची इंसानियत है। सुपन जल्दी करना बेटे, फिर कितना टाइम लाई जाना, वकील साहब ठीक दे हुने है। आ देख बेटे, फाइल दे सारे पेपर मैं तैयार कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, हुण आपां जल्दी कर जाना वकील साहब नूं मिलन। तुसीं आ खबर पढ़ी अखबार च, नारी निकेतन बना के कोई किन्ना पौंदा काम करदा है, किन्नियां बेसहारा धीआं भैणां नूं सारा मिलूगा। वो तो है बेटे, करमी धर्मी बंदे बथेरे आ दुनिया ते, सुपन उहनां दे आसरे दुनिया चलदी है पुत, नहीं तो कदों की तबाह होगी होंगी। अपन भी इनविटेशन आया, फोन भी आया से उन्होंने। अच्छा, सद्या कहने जरूर आया। किन्ने कु दूर हो मासी इतों? कुछ जे जाना ही होवे तो दूर की ते नेड़े की। हो तुसी जा ही हो, वकील साहब को मैं जाऊंगा। पुत मैं सोचती हाँ ना, वकील साहब नु मिलना बहुत जरूरी है। देख मैं चाहनी है कि मेहंदी नु जल्दी तो जल्दी कोई इंसाफ मिले, नहीं तो उहदे पापा जी का तो तैनू पता ही है, पता नहीं कदे परेशान हो के कोई होर समस्या खड़ी कर दे। तू छेती कर बेटे, चल चली आ। फोन वजदा तुहाडा? ओहो अज मैं दी रिंग टोन बंद कीती भी है ना पुत, पता ही नहीं लगता मैं। हेलो मेहंदी, मेहंदी दा फोन है। अच्छा? मेहंदी बेटे तेन हुने याद करदे सी, असी तेरियां गल्लां करदे सी, वकील साहब कोल चले आ सी। मां तुसी अज अखबार च फोटो नहीं वेखी, नारी निकेतन दे उद्घाटन वाली? किथे अखबार च? हाँ हाँ, उद्घाटन उस कमीने दे प्यो ने करना है, ओदी भी प्यो ना फोटो छपी है अखबार च। तू चंगी तरह पछाण दी है नू? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ
ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਓ। ਮਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੁਪਰ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਪਨ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਾਂ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼।
सत्कारयोग पतवंत सज्जनों, भैनों, वीरों ते मेरियो प्यारियो बच्चियों, बेहद खुशी की गल है कि अज इस शहर विच एक नारी निकेतन का उद्घाटन होया है, जिथे बेसहारा औरतों नू बच्चियों नू सहारा मिलेगा। अज दे समय की भी यह मंग है कि हर इलाके विच अजिही संस्था का होना जरूरी है, पर यह संस्था उही इंसान बनाउंदे ने जिहड़े गुरु साहब दे दित्ते होए महावाक सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान ते अमल करते ने। पर जे अजिही संस्था का उद्घाटन किसी अजिही हस्ती द्वारा करवाया जाए जिहड़ी चिट्टी चमड़ी दे थले काला दिल रखती होवे, जिहड़ी औरत नूं इज्जत देण दी बजाए उसनू बेइज्जत करन विच फखर महसूस करती होवे, तां इस तों वड्डी शर्मनाक घटना भी होर कोई नहीं हुंदी। ते अजिही शर्मनाक घटना अज वापरी है। कौन है? मां मां एक मां है मैं उन्हां सब धीआं दी जिहड़ियां समाज दे किसे कुछ जुल्म दा शिकार होईआं ने। मां ये नाम काफी नहीं है? अच्छा ते तू है मां दलेर कौर? ए करो ए चेयर पर्सन दी कुर्सी इनू दे दियो। आलो पाओ इहदे गले च हार ते मारो ताड़ियां। लै बई तैनू बनाया अज तो इस संस्था दी चेयर पर्सन, होर दस की चाहिदा? मैनू कोई कुर्सी नहीं चाहिदी। तो फिर होर की चाहिदा? इंसाफ, इंसाफ चाहिदा मैनू, एक धी लई इंसाफ चाहिदा मैनू। सुबीर बेटे ए की कह रही है? डैड एक दरअसल ना एक दिन एक ना लड़की आई सी नौकरी वास्ते, शायद इन्होंने भेजी होगी। नौकरी की कोई वैकेंसी खाली नहीं सी ते मैं ना कर दिती। मैनू लगता भी वो इसे केस की गल कर रहे हैं। कमला तू तो पुत्र वो साढ़े कोल कंपनियां च थोड़े लोग कम करते पे है, तू कोई नौकरी अरेंज कर देनी सी? वो वैसे भी जिस वेले कोई धी भैन चल के आवे काम वास्ते ते उनु सत्कार देना, उनु काम देना साडा इंसानी फर्ज बनता है। कोई नहीं भैन जी, तुसी उनु भेज देना कुड़ी नु, नौकरी मिल जाए। मैं नौकरी दी गल नहीं कर रही, तुसी चंगी तरह जानदे हो कि मैं की कह रही हूं। प्लीज बैठो, तुसी जो भी समस्या सी बाद च गल कर लांगे। बैठो भैन जी, एहो जे समागमां दे विच निक्कियां मोटियां गल्लां शोभा नहीं दिंदियां। इही ते साडे अज दे समागम दे मुख मेहमान ने ते ए साडी संस्था दे चेयरमैन भी ने। ए कोई निक्की मोटी गल नहीं है। एक धी दा बलात्कार होया, इज्जत लुट्टी गई है उसकी, बलात्कारी नूं अपनी अखां दे सामने बैठिया वेख के कोई मां ओहदे सोहणे नहीं गा सकती, ओहदी आरती नहीं उतार सकती, ओहदे गल विच हार नहीं पा सकती। सिर्फ सिर्फ दुत्कार ही सकती है उसनूं। पर पता तां लगे है कौन? अज दे इस फंक्शन दे मुख मेहमान दा बेटा समीर, समीर है। झूठ बोलदी है औरत, की सबूत है तेरे कोल? सबूत? उस बच्ची दियां चीकां पुकारां ते विलकणियां ने मेरे कोल, जिहड़ियां दुहाई दिंदियां ने कि मैनू इंसाफ चाहिदा है, मैनू इंसाफ चाहिदा है, मेरी इज्जत रोलन वाले नू सजा चाहिदी है। मैं नहीं सी, ओह तां होर मुंडे सी मेरे दोस्त, ते नाले मैं तां उस दिन इत्थे है ही नहीं सी। अच्छा तां फिर तैनू किवें पता लग्गिया कि ओह होर मुंडे सी? मैं कोर्ट जावांगा, इस औरत ने इन्नी दुनिया के सामने मेरी इज्जत उछाली है। अच्छा कोर्ट विच जाएगा तू? कोर्ट विच नहीं, हुण तू कटहरे च जाएगा बच्चू, कटहरे विच, क्योंकि वह बच्ची हुण गूंगी नहीं रही, उन्हें हुण बोलना सीख लिया। मैं? हाँ तू भी ते तेरा बाप भी, जिहड़ा उस दिन फोन ते धमकियां दिंदा सी मैनूं। मैं गोद लिता।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਡਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ। देखो वीर जी, मेरे करके तुहानू सारयां नू बहुत तकलीफ होई, मैं माफी मांगदी हां उस गल दी। नहीं, इहो जिहे नू तां थाणे लिजाणा चाहीदा, सानू फड़ाउणा चाहीदा है। चंगा वीर जी, चलदी हां मैं। अच्छा जी, चलो मां से तुम छा नहीं चली जाऊंगी, मैं सुपन वेट करता होना। नहीं, मैं छा नहीं, बस शुक्रिया जी, सॉरी, मेरे करके तो काफ़ी परेशानी हुई, वो भी माफी चाहती हूँ मैं। अच्छा, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, तुम छड़ाइए जी। नहीं बस कोई गल नहीं, बेटा आंदा ही हुना, सुपन ने कहा से मैं लैन आ जूंगा, मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ सुपन बेटे, कित्थे है तू? अच्छा अच्छा, बस पहुंचने वाला है। हाँ जी, बस पहुंच रही है। चारे पासे अग्गा ही अग्गा ने, चाहिए ता केड़ी गली चाहिए। इस तो पहला के साड़ियां तिया पैना भी इस अग की लपेट भी चौन, आओ इना दरिंदियां नू नत पाईए, ते एक सांझा संघर्ष विटिए। असी एक कोशिश की थी, ते तुसा साड़ा साथ दिता, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया।